राम राम जी सारा ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई एक बार फिर से स्वागत करो हूँ। तो भाई आज की वीडियो का मैं आप क्या कराएंगे हरियाणा जीके के जो उनसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप सिलेक्टेड 25 क्वेश्चन है ना, टॉप के जो 25% है जो उनसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वाले प्रश्न कराएंगे। इन प्रश्न की जैसे मतलब पीडीएफ से अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया @capitalJCapitalTARGET। ठीक है, फटाफट रिविजन मारेंगे जो उनसे नए नए प्रश्न पावे जो उनसे नए टॉप सिलेक्टेड है वो प्रश्न कराएं। पहला प्रश्न देखो के है सीईटी का पेपर खतर लियो सीईटी रेस्टेट दोनों हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में रंग महल संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। तो वो जो रंग महल संस्कृति है उसके प्रमाण हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर आपके रंग महल संस्कृति के प्रमाण मिले हैं भाई। अगला प्रश्न देखो के बसई आदर भूमि हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है। हरियाणा के किस जिले के अंदर आपकी बसई आदर भूमि है। ठीक, आदर भूमि का मतलब समझो भाई इसी भूमि जिसका मतलब थोड़ी थोड़ी आपकी आदरता उपस्थित हो, यानी थोड़ा थोड़ा उसके अंदर मतलब गीलापन सा हो, नमी सी उसका मौजूद हो। तो ये किस जिले के स्थित है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर आपकी बसई आदर भूमि है स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। ये वो प्रश्न था कि लिया हूं जो उनसे पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, फटाफट रिवीजन मरवा दूं 10 मिनट में गाना टाइम को लूं। अगला कि हरियाणा का कौन सा जिला भारत का अग्रणी मशरूम उत्पादक जिला है। वे भारत का हरियाणा का कौन सा जिला है जो कि भारत का मशरूम उत्पादक जिला, जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा मशरूम उत्पन्न करता है। तो हरियाणा का जो सोनीपत जिला है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। सोनीपत जिला है भारत का अग्रणी मशरूम उत्पादक जिला है। सोनीपत का प्राचीन नाम पूछ लिया करे तो जो सोनप्रस्थ है, सोनप्रस्थ है वो आपका सोनीपत का प्राचीन नाम है और ये आपका भारत का अग्रणी मशरूम उत्पादक जिला है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न के अंबाला क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख है किसके अंदर पाया जाता है। अंबाला जो क्षेत्र है ये हरियाणा का इतिहास से संबंधित प्रश्न है जो कि पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो अंबाला क्षेत्र इसका सारे में पहला उल्लेख कड़ा पाया जाएगा कौन सा आरण्यक के अंदर पाया जाता है, तैत्तरीय आरण्यक के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, तैत्तरीय आरण्यक के अंदर आपका अंबाला जिले का सारे में पहला उल्लेख पाया जाएगा। अगला प्रश्न के हरियाणा में सबसे अधिक किस मसाले की खेती होती है, कौन सा मसाला की खेती हरियाणा का सारे में गणी होगा, धनिया लहसुन मेथी या मिर्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा के अंदर जो मेथी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मेथी की जो खेती है आपकी, मेथी हरियाणा का एकमात्र ऐसा मसाला है जिसकी खेती आपकी सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, और भाई वीडियो का कमेंट करके जरूर बता दीजिए वीडियो किसी लगी, फटाफट रिवीजन हो या कि नहीं हुई, तरह टाइम बचा कि नहीं बचा। हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र कड़े स्थित है, बताओ हरियाणा के अंदर जो जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र है, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी एक तो आपकी राष्ट्रीय स्तर पर है और एक आपकी क्षेत्रीय स्तर पर है। तो उसका जो क्षेत्रीय केंद्र आपका कड़े तो वो हरियाणा का फरीदाबाद जिले के अंदर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर आपका जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र आपका स्थित है भाई। अगला प्रश्न के कालका शिमला रेलवे ट्रैक विश्व विरासत स्थलों के अंदर किस वर्ष के अंदर उसको शामिल किया गया। जो कालका शिमला जो एक्सप्रेसवे है, ठीक है, वो एक्सप्रेसवे नहीं सॉरी रेलवे ट्रैक है, इसको भाई आपका कालका कड़ा आपका कालका आपका पंचकुला के अंदर है। प्रश्न पूछा जाएगा अगर वो कालका विधानसभा सीट है आपकी कहां पर है, तो हरियाणा के पंचकुला के अंदर है। ठीक है, और इसको विरासत स्थलों के अंदर इस रेलवे ट्रैक को कब शामिल किया गया, तो 1898 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसको विरासत स्थलों के अंदर शामिल किया गया। अगला, इनमें से कौन सी जगह हरियाणा में चमड़े के काम के लिए प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन दिए गए, वे कौन सी जगह हरियाणा के अंदर चमड़े के काम के लिए प्रसिद्ध है। तो चमड़े के काम के लिए हरियाणा का जो रोहतक जिला है, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा। और रोहतक वो कौन सुना, पहरू टिल्लेदार जुत्ती पिया लगू में कसुती, पहरू टिल्लेदार जुत्ती पिया लगू में कसुती। तो वह जो टिल्लेदार जुत्ती वह हरियाणा का रोहतक जिले के अंदर है, वो आपकी जुत्ती है टिल्लेदार जुत्ती के लिए हरियाणा का रोहतक जिला प्रसिद्ध है। और साथ के साथ आपका इसके चमड़े उद्योग के लिए भी आपका हरियाणा का रोहतक जिला प्रसिद्ध है। तो पुराने टाइम में देखे तो हम ना बूढ़े पैरे चमड़ा वाली जुत्ती पाछा पला गया करती, चरड़ चरड़ की आवाज को नहीं आया करती कई देर तक। हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी है कड़े स्थित, प्रश्न पूछा वो जल्दी से बताओ। हरियाणा की जो सारे बड़ी अनाज मंडी है हरियाणा के लाडवा के अंदर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। हरियाणा के लाडवा के अंदर आपकी हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी वो आपकी स्थित है, ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला के जवाहरलाल नेहरू कहां से निकाल, जवाहरलाल नेहरू नहर भी आएगा भाई, जवाहरलाल नेहरू नहर है ये आपकी, जवाहरलाल नेहरू नहर है कहां से निकाली गई और ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से गुजरती है, बताओ भाई। हरियाणा जो जवाहरलाल नेहरू नहर है ये आपकी कौन सी नहर से निकाली गई है और ये आपकी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से गुजरती है जिस नहर से निकाली गई है, तो भाखड़ा नहर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। जवाहरलाल नेहरू नहर है वो आपकी भाखड़ा नहर से निकाली गई है और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से ही आपकी गुजरती है भाई। ठीक है, एक आपकी जूई नहर पूछी जाएगा, हरियाणा की जो सबसे छोटी नहर है कौन सी, आपकी जूई नहर और ये कहां
पर आपके हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर है, आपकी जूई नहर स्थित है, इसे भी याद रख लियो। अगला प्रश्न के है भाई, हरियाणा में नौरंगाबाद टीला है किसके निकट स्थित है, बताओ बच्चे। ऑप्शन देगा नौरंगाबाद टीला है वो आपका हरियाणा में कहां पर स्थित है, तो हरियाणा के गुरुग्राम के हरियाणा के भिवानी जिले के निकट, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाए। हरियाणा के भिवानी जिले के निकट आपका नौरंगाबाद का टीला हो स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाए। अगला के हरियाणा के कैथल जिले की स्थापना कथित रूप से महाभारत के किस मिथकीय पात्र के द्वारा की गई, मतलब कि ये प्रश्न छापने भी आए पड़े इनको मिथकीय पात्र, यानी कि ये भी नो चांद कदे को मुकदे साची में यहां महाभारत हुई थी को इन व्यक्ति को मेरा महाभारत हुई थी को नहीं थी, तो मिथकीय पात्र का मतलब है महाभारत का मतलब जो भी इमेजिनेशन करे कि तमना महाभारत है को नहीं, ठीक है, तो उसका जो पात्र है किस पात्र के द्वारा कैथल जिले की स्थापना करी गई थी ये प्रश्न पूछेगा, तो युधिष्ठिर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। माना जाता है कि युधिष्ठिर के द्वारा आपके कैथल जिले की स्थापना है वो करी गई थी। अगला के हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव खालिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, जो हरियाणा का जो पहला प्राचीन नाम हम कहे हैं भाई हरियाणा नाम से इसी जाना जाया करता है। इस लड़का प्रश्न आया बहुत बार, ये एचसीएस का पेपर का भी आया था इस लड़का, तो जो हरियाणा है ये आपका हरियाणा का पुराना नाम है, तो पूछा भाई इसका उद्भव आपका कड़ा मतलब कौन सी कड़ा जगह है, कौन सी जगह में इसका उद्भव के जो है इंट है अंश है मिले हैं, तो चामान जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। चामान आपका एक ग्रंथ सा ग्रंथ टाइप का एक बुक सी है, एक पुराण है आपका मान के आपका एक पुराण है, ठीक है, इसके अंदर आपके ये हरियाणा जो शब्द है इसके अवशेष है मिले आपके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला के निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सी घग्गर नदी की सहायक नदी है, एक चीज तो भूल गया बताम सर थी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, चीज तो मैं भूल गया था, तो चार ऑप्शन देगा तो कौन सी नदी आपकी घग्गर की सहायक नदी कौन सी, तो चौतांग ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा। चौतांग नदी हो आपकी घग्गर की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साई भी कौन सी नदी का प्राचीन नाम है आपका, अरुणा कौन सी नदी का आपका प्राचीन नाम अरुणा, तो मारकंडा नदी का भी प्रश्न आया करा है, मारकंडा नदी का जो आपका प्राचीन नाम हो क्या आपका, मारकंडा नदी को प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जाना जाया करता। अगला के हरियाणा में मोरनी और टिपरा श्रेणियों की घाटी है किसके द्वारा पृथक, मोरनी और जो टिपरा जो श्रेणी है उनकी जो घाटी हो किस नदी के द्वारा उन घाटियों को अलग अलग किया गया, तो मारकंडा नदी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपकी मोरनी और टिपरा की श्रेणियां अलग अलग की गई है। भाई वीडियो पसंद आंदी हो तो भाई लाइक भी जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए वीडियो किसी लगी, ठीक है। मारकंडा नदी हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है, मारकंडा नदी हरियाणा के अंदर कौन से जिले से है एंट्री मार है, तो हरियाणा के अंबाला जिले से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। छोरी लूट ले अंबाले की मन कहे बहु सब काले की, सुनिया था गाना तन्ने छोड़ूंगी भरता, एच टेट वाले और सी टी वाले दोनों खातर इंपोर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना है कब की गई थी, प्रश्न पूछा गया, तो हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना दिसंबर 1989 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 1989 के अंदर आपका हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखो भाई, हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण किस विभाग के अंतर्गत आते हैं, चार ऑप्शन दिए गए भाई। हरियाणा के जितने भी वन्य जीव अभ्यारण है ना भाई, जितने भी हो गए आपके कोई सा भी वन्य जीव अभ्यारण हो गया, तो ये वन्य जीव अभ्यारण आपके जैसे मोर है चिंकारा प्रजनन केंद्र और है, ये किस विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो वन विभाग के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न कंफ्यूजिंग वाला है, इसका माध्यम बालक इसमें पर्यावरण सोचेंगे, भगवान ने जो बयान तो पर्यावरण का अंतर्गत आए हैं, कई कृषि विभाग ठोकेंगे। अगला हरियाणा का कौन सा शहर चंदन की नक्काशी के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, यह प्रश्न पूछा गया, तो हरियाणा का जो झज्जर जिला है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। हरियाणा का झज्जर जिला आपका चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाए। अगला हरियाणा में पंचकुला आईटी पार्क की स्थापना है किस वर्ष करी गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, पंचकुला जो आईटी पार्क है इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 2008 के अंदर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 2008 के अंदर हरियाणा के अंदर पंचकुला आईटी जो पार्क है इसकी स्थापना आपकी करी गई थी। पार्क पूछे जाए अगर कि पंचकुला आईटी पार्क है, एक और था कौन सा पार्क था वो भी आगे आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो अगला के है, हरियाणा के फतेहाबाद जिला निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो हरियाणा का जो फतेहाबाद जिला है आपका सूती धागे के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आपका करेक्ट होगा। दरी बनाने के केंद्र के लिए आपका हरियाणा का पानीपत का जिला है, यार पानीपत का पानी तेरे करके गुलाबी हो रहा तू फुला की से बोरी, गाना सुनिया हुआ था ना, ठीक है। केमिकल फैक्ट्री है जितनी, ये सारी की सारी आपकी हरियाणा के फरीदाबाद और पानीपत दोनों के अंदर आपकी केमिकल फैक्ट्री। स्टील के लिए आपका हरियाणा का हिसार जिला हो आपका स्टील के लिए प्रसिद्ध है भाई।
अगला प्रश्न देखो क्या है, 1937 में किस स्थान पर हरियाणा की पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। हरियाणा की पहली कपड़ा मिल 1937 के अंदर हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर स्थापित करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला कि हरियाणा का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का बाजार है कहां पर स्थित है। तो हरियाणा के जो सबसे बड़ा थोक यानी कि थोक का बाजार सारे में ज्यादा कपड़े मिले तो हरियाणा के रोहतक के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के रोहतक के अंदर आपका थोक कपड़ों का सबसे बड़ा बाजार आपका स्थित है भाई। अगला प्रश्न कि हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना कहां स्थित है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना आपकी कड़े स्थित है तो हरियाणा के झाड़ली के अंदर। ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के झाड़ली के अंदर आपकी इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना स्थित है। खेदड़ के अंदर है आपकी राजीव गांधी जो थर्मल पावर प्लांट आपका कड़ा हरियाणा के वो खेदड़ हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। खेदड़ के अंदर आपकी ये आपकी राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट आपका स्थित है। ककरोई जल विद्युत परियोजना ये भी पूछा जाया करे। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा हरियाणा में नहीं पाया जाता। चार ऑप्शन दिए गए भाई, कौन सा खनिज आपका हरियाणा का में कौन पाया जाता तो जल्दी से बताओ भाई। आपका चूना संगमरमर लोहा तांबा चार खनिज दिए गए, इनका मतलब कौन सा खनिज आपका हरियाणा का में कौन पाया जाता तो आपका लोहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, लोहा आपका हरियाणा का में कौन पाया जाता। बाकी चूना संगमरमर तांबा ये सारे के सारे खनिज में लिखड़ा पाया है। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला है ना, हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला का मैं सारे के सारे मैक्सिमम खनिज पाए जाया करें भाई। ठीक है, आज की क्लास हो गई है खत्म। टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 25% है, फटाफट से 10 मिनट का मैं करवा दिए हैं। इन प्रश्न की पीडीएफ खतर अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया @JKT, बीच में कोई स्पेस कौन देना, अर समोल अक्षरा में ARGET सारा लगता कर लियो, मेरी फोटो लागी पाओगी उड़ता तीन प्रश्न की पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास किसी लागी कमेंट करके जरूर बता दियो। सारे ते राम राम, धन्यवाद, लाना लालो, पेपर की तैयारी का जुटे रहो, खेच जाओ फटाफट, दिवाली की शुभकामनाएं, पटाख का बारूद भर की फूक दियो सब कहना।